सारा स्पीकर लोड स्पीकर मेन स्पीकर जरा जी जी वो सारा आडू जितरी दिन मारे सड़ गए। अच्छा स्पीकर है का ना बिल्कुल अजान तुम्हारे सामने ही मेरी थी से ही में नमाज पढ़ी से। अच्छा ते नलके की जरूरत ये तुम्हारे सामने नमाज या ने एक नलका है। अच्छा वो ये थी ना वो नलके ही थी बने एक स्पीकर ही गुजारिश करे नहीं मैं हाथ बांध के नहीं नहीं कोई बात नहीं हाथ जोड़ के ना गुजारिश करे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे मेरे प्यारे बहन भाई। कारी साहब का कहना है कि स्पीकर जो है ना हमारा जल गया है, दूसरा तीसरा दिन है तो अजान हम ऐसे दे रहे हैं तो दूसरा तीसरा दिन है स्पीकर जल चुका है तो हमें एक स्पीकर की जरूरत है और नलका बताया जे जे इंशाल्लाह और एक नलके की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बहन भाई सबके आगे गुजारिश है अपील है अगर किसी से हो सके स्पीकर की अपील है और एक नलके की अपील है जिससे हो सके तो वो कर दें। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का काम है ना। मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ ना कारी साहब किसी पे एहसान कर रहे हैं ऐसे ना कारी साहब, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक इसका मुआवजा देगा, अल्लाह पाक इसका अजर देगा क्यों जी जो इस काम में हिस्सा मिलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन पे कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के मजेदार व्लॉग का करते हैं जी आगाज। और मेरे प्यारे बहन भाई आज का व्लॉग भी बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप सबने हमारे साथ जुड़े रहने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जैसे कि आपको पता है मैंने एक वीडियो डाली है, मस्जिद में गया हूँ जहाँ कि मैंने व्लॉग बनाया है। कारी साहब ने कहा है भाई साहब मुझे कुरान पाक सिपारे कायदे और छत वाला पंखा और कलीन की ज़रूरत है। तो एक हमारी बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं, बाहरले मुल्क पे रहती हैं, उन्होंने पैसे भेजे हैं इन सारी चीज़ों के, कुरान पाक कायदे सिपारे छत वाला पंखा कलीन फोम सारी चीज़ों के। सिस्टर जी ने पैसे भेजे हैं, सिस्टर ने कहा है भाई मेरी तरफ से जाके उस मस्जिद में ये सारी चीज़ें लगा दो। और सारा सामान भी आज ही मैंने लिया है, कलीन आज लिया, पंखा आज लिया है और कुरान पाक सिपारे कायदे सारी चीज़ें आज ली हैं और अब जा रहा हूँ मैं मस्जिद में ये सारी चीज़ें देने। और रिक्शे वाला भाई आया है, रिक्शा इधर खड़ा करके वो अपने घर चला गया है, वो इधर बस्ती का है। तो अभी वो आ रहे हैं फिर हम जा रहे हैं उधर मस्जिद में, मस्जिद में चल के उधर कलीन लगाएंगे, कुरान पाक देंगे, पंखा देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करेंगे। और उससे पहले आप बेगम साहबा से भी दुआ सलाम कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं ये देख रही थी, मैं सोच रही थी कि पंखे की पर नहीं है। नहीं ये पंखा वो है परों से बगैर पंखे के पर है, वो इधर पड़े, इधर आ देखो इधर ये सामने पड़े डब्बे में पंखे, मैं सोच रही हूँ पंखे के पार नहीं है, नहीं इस पंखे के पार नहीं है चले जी ठीक है, कोई है बात मैं जाऊं। नहीं बस माशाल्लाह ये वाले काम करके ना दिल को सुकून मिलता है ना। सही बात है बिल्कुल। जो मस्जिद होती है जिनको गुंजाइश नहीं होती ये कलीन वगैरह पंखा वगैरह कुरान पाक लेने की, तो उनको जब ये चीजें मिल जाती होंगी तो उनके दिल से कितनी दुआएं निकलती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेगम साहबा ये बहुत बड़ा सदका जा रहा है, बहुत बड़ा सदका जा रहा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ये सिस्टर का दिया कबूल करे, बस आप दुआ करें और बाकी अल्लाह पाक खैर करें। मेरे प्यारे बहन भाई अब उधर चलते हैं, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह सुना है भाई साहब आंधी ने काम खराब तो नहीं किया। ओए होए है मैं मोटरसाइकिल पे था तो आंखों में सारी मिट्टी थी। अच्छा हाँ बड़ी मुश्किल से आया है, चले कोई नहीं खैर है पहुँचे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी भाई साहब ले आओ ले आओ, हाँ पंखा भी ले जाओ ले जाओ ले जाने अंदर है। ये मस्जिद का है, हाँ मस्जिद के लिए ले जाओ अंदर ले जाओ, इसे अंदर लेके जा रहे हो चल चले जी माशाल्लाह। भाई साहब अल्लाह खैर करे, काम तसल्ली से करना है अच्छा और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आंधी चल रही है, अगर ज्यादा आंधी हो गई ना तो फिर हमारा घर जाने के लिए भी मसला बन जाएगा। हाँ चले जी शुरू करें शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़े। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
अच्छा जी मेरे प्यारे बहन भाई, बिल्कुल शाम हो चुकी है और हमारा भी काम कंप्लीट हो चुका है। चल के देखते हैं अंदर, बिजली चली गई है तो रोशनी नहीं है, इसके लिए थोड़ा मसला है। ये देखें जी माशाल्लाह क्लीन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं। ये देखें, ये है जी मुसल्ला क्लीन। ये देखें मुसल्ले के निशान नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी ये मुसल्ला क्लीन है और माशाल्लाह मेरा आप भी बेहतरीन लग गया है। चलें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बिजली नहीं है, नहीं तो बल्ब चल रहा होता तो फिर मज़े से नज़र आती। खैर कोई बात नहीं है, हमने नमाज भी अदा कर ली है माशाल्लाह। और ये देखें सब भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया। अच्छा कारी साहब माशाल्लाह अब तो खुश है ना? जी इंशाल्लाह खुश है जी। कुराने पाक आ चुके हैं, कायदे आ चुके हैं, सिपारे आ चुके हैं, कलीन लग चुकी है, छत वाला पंखा आ चुका है, है जी। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर अता फरमाए। मैं बताता चलूं, एक हमारी बहुत ही अच्छी सिस्टर है, बाहरले मुल्क पे रहती हैं। ये कलीन, ये छत वाला पंखा, कुराने पाक, कैद सिपारे उस सिस्टर ने दिया है, ठीक है जी। इस सिस्टर के लिए, सिस्टर के बच्चों के लिए और सिस्टर की पूरी फैमिली के लिए और सिस्टर के जितने किस दुनिया से चल बसे हैं, जो जिंदा हैं, जो बीमार हैं, जो बे औलाद हैं, सबके लिए हाथ उठाकर दिल से दुआ कर दें। जितना लोग अल्लाह वास्ते देंदे पन जाला उने दे रिज़्क के इज़ाफा फरमा। आमीन। मेरा मालिक इन्हें जो सारी खिदमत की थी जाला इन्हें दे घर दुगना बरकत आ फरमा। आमीन। या अल्लाह तू मेहरबानी कर, या अल्लाह तू करम कर, मेरा मालिक ही मस्जिद दी दुआ दा वास्ते या अल्लाह ही मस्जिद खड़े है जाला उने दे घर मुसीबत तू फरमा। आमीन। या अल्लाह उने दे परेशान तू फरमा। आमीन। या अल्लाह उने दे हाल ते रहम करम फरमा। आमीन। या अल्लाह उने दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह ये सारे भाई नबी ते रिज़्क के इज़ाफा फरमा। आमीन। या अल्लाह को हक हलाल ते रिज़्क दे। आमीन। या अल्लाह इन्हें घर बरकत आ फरमा। आमीन। या अल्लाह तू मेहरबानी कर, मेरे मालिक तू करीम करम कर, रहम कर। आमीन। कारी साहब ये मैंने पर्ची के ऊपर दो तीन नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, सेहत तंदुरुस्ती की सलामती की दुआ करवा देनी है नामों के लिए, ठीक है जी। हाँ नाम पढ़ ले भाई लाइट। आयशा इस्लाम, अशरा इस्लाम, इन्हें था। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बिजली का नहीं था जरा। अच्छा अच्छा नजर कम है जी। जा, चले ये, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ये पहला नाम। एक मिनट मैं तो बस है ना, माया नवीद, माया नवीद, इशरा इस्लाम, माया नवीद, माया नवीद, इशरा इस्लाम, इशरा इस्लाम, अजरा बीबी, अजरा। इन तीन नामों के लिए खास तौर दिल से दुआ करवा दें भाई साहब। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि। या अल्लाह तू मेहरबानी कर, मेरा मालिक तू करीम करम कर, अपने नबी दा वास्ते, अपने यार दा वास्ते, मैया नबी दा वास्ते दुआ करें दे पे, मेरा मालिक इन्हें दे घर बरकत आ फरमा। या अल्लाह इन्हें घर मुसीबतां दूर फरमा। या अल्लाह इन्हें मां रिज़्क के रोजी बरकत आ फरमा। या अल्लाह इन्हें जो जो कुछ परेशान है दूर फरमा। या अल्लाह अशरा बीबी दे अशरा इस्लाम दे घर बरकत आ फरमा। आमीन। या अल्लाह उन दे मां रिज़्क दी बरकत आ फरमा। आमीन। या अल्लाह उन दे घरां बरकत आ फरमा। आमीन। या अल्लाह उन दे घरां मुसीबतां दूर फरमा। या अल्लाह उन
परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह। जिन्हें लोग उन्हें सारी खिदमत की थी या अल्लाह, उन्हें खिदमत का वास्ता ही या अल्लाह, तू मेहरबानी कर अपनी रहमत का वास्ता ही या अल्लाह। उन्हें घर बरकत फरमा, घर मुसीबत दूर फरमा या अल्लाह, उन्हें परेशानियां दूर फरमा। अज़रा बीबी, अज़रा बीबी, अज़रा बीबी के घर बरकत फरमा या अल्लाह। उन्हें रिज़्क के इजाफा फरमा, उन्हें बच्चे की हिफाजत फरमा या अल्लाह। उन्हें जो कुछ बीमार है उन्हें खानदान जितना बीमार है मेरा मालिक, ये मस्जिद का वास्ता ही या अल्लाह, ये अपने घर का वास्ता ही, सब मंगण दा दानिया दा, इन्हें बच्चे निक्के दे दुआ दा वास्ता ही मेरा मालिक, इन्हें दे घर है बरकत फरमा या अल्लाह। इन्हें नक्के बच्चे दो देख चा मेरा मालिक, ऐसा कहीं काम देखा नहीं से मेरा मालिक, सब मंगण दा दानिया दा, तू आप कादिर करीम है, तू ला तक ना तू मिर रहमत इल्ला है, तेरी रहमत बेबहा है मेरा मौला, तू अला कुल्ले शैन कदीर है मेरा मालिक, तू मेहरबानी फरमा, करम नाजी फरमा या अल्लाह। इन्हें घर है बरकत आ फरमा या अल्लाह, इन्हें गैब तो इमदाद फरमा या अल्लाह, इन्हें मार रिज के बरकत आ फरमा, रोजी बरकत आ फरमा, घर है बरकत आ फरमा, मुसीबत दूर फरमा या अल्लाह, इन्हें खानदान तो खैर फरमा या अल्लाह, इन्हें पूरे पाकिस्तान की खैर फरमा या अल्लाह। जितना मुसलमान है इन्हें दे तू फैल, सारे मुसलमान की हिफाजत फरमा अल्लाह, तू मेहरबानी कर या अल्लाह, तू करम कर मौला करीमा, तू राजी थी मेहरबानी फरमा अपने हजूर दा वास्ते ही, अपने यार दा वास्ते ही, तू मेहरबानी कर मेरा अल्लाह। इनकी इनकी सेहत की दुआ करनी, सेहत तंदुरुस्ती की अल्लाह पाक इनको सेहत कुली अदा फरमा, आमीन या अल्लाह। इन्हें को सेहत कामिल अदा फरमा, आमीन या अल्लाह। इन्हें जो को मुसीबत या अल्लाह, इन्हें को शिफा कामिल अदा फरमा, आमीन या अल्लाह। अपने यार दा वास्ते ही इन्हें को सेहत कुली अदा फरमा, आमीन या अल्लाह। इन्हें को शिफा कामिल अदा फरमा, आमीन। मेरा मालिक तू करीम करम कर, रहीम रहम कर, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, क़ाला रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहबनी अलल किबर इस्माइल व इसहाक, इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दु لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلوا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत ही मजे की दुआ करवाई है आपने। एक मिनट जी 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 बोले। ये सारा स्पीकर लोड स्पीकर मेन स्पीकर जरा जी जी वो सारा आडू जी त्रीजी नुआरे सड़ गए। अच्छा स्पीकर है का ना बिल्कुल अजान तुम्हारे सामने ही में रीति से ही में नमाज पढ़ी से। अच्छा ते नलके की जरूरत ये तुम्हारे सामने नमाजिया ने एक नलका है। अच्छा वो ये थी ना वो नलका ही थी बने एक स्पीकर ही गुजारिश करे नहीं मैं हाथ बांध के नहीं नहीं कोई बात नहीं हाथ जोड़ के ना गुजारिश करे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे प्यारे बहन भाई कारी साहब का कहना है कि स्पीकर जो है ना हमारा जल गया है, दूसरा तीसरा दिन है तो अजान हम ऐसे दे रहे हैं तो दूसरा तीसरा दिन है स्पीकर जल चुका है तो हमें एक स्पीकर की जरूरत है और नलका बताया जे जे इंशाल्लाह और एक नलके की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बहन भाई सबके आगे गुजारिश है, अपील है, अगर किसी से हो सके स्पीकर की अपील है और एक नलके की अपील है, जिससे हो सके तो वो कर दें। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का काम है ना, मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ ना कारी साहब किसी पे एहसान कर रहे हैं, ऐसे ना कारी साहब, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह पाक इसका मुआवजा देगा, अल्लाह पाक इसका अजर देगा, क्यों जी जो इस काम में हिस्सा मिलाएगा तो कारी साहब इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक ने जैसे को हिला वसीला बनाया तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा, आपको स्पीकर भी ला के दूंगा और नलका भी लगवा के दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अब रात हो चुकी है, हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर।
अच्छा जी माशाल्लाह बिजली आ गई है। खोले खोले काई साहब खोले जी जी। खोले कुरान पाक और सिपारे कायदे ये अपना संभालने हैं जी। बिस्मिल्लाह इस साइड पर कुरान पाक है जी। ये वाले ये है पैक ये ठीक है ये इसको खोले जरा खोले हाँ। पुराने पाक है खोले खोले माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये देखें सुभान अल्लाह ना बस जाके ना कदम जा नहीं नहीं कोई बात नहीं है वो आप सुबह निकाल लेना जब पढ़ने बैठे आप उस वक्त निकाल लेना जे जे। बस मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बस ये बस देखने थे ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कुराने पाक हैं। कुराने पाक तो वैसे भी बहुत ही प्यारे होते हैं जे जे और ये कायदे ये सिपारे ठीक है भाई साहब हैं। अब ये है मेन चीज हमारे लिए ठीक है जी हाँ इसको संभाल लो इंशाल्लाह ठीक है जी। ये देखें जी माशाल्लाह बिजली आ गई है अब देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है कलीन ये देखें ये है मसल्ला कलीन ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त हो गया